द्वारका माई चैरिटी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर चौबे का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुनरी ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी और इतना ही नहीं, शंखनाद की पवित्र ध्वनि के बीच 12 अगस्त रविवार संध्या काल की बेला में संस्था के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गौरीशंकर चौबे का भव्य स्वागत किया। चौबे की 38वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था द्वारा चौबे जी के हाथों 38 जरूरतमंद महिलाएं एवं विधवा को सिलाई मशीन, 38 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, 38 गरीबों को राशन किट और आदि अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। उपनगर मलाड पूर्व कोरार गांव स्थित नूतन विद्या मंदिर में हजारों लोगों की उपस्थिति में अद्भुत, अद्वितीय एवं अविश्वसनीय समारोह का सफल आयोजन संस्था द्वारा किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में संस्था के सैकड़ों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। ये रोजगार, ये जो कार्यक्रम है जन्मदिन का, ये हर साल ऐसे ही होता है और लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे हम कुछ बांट रहे हैं इसलिए इतनी भीड़ है। तो मैं आपको बता दूँ, वो लेने वाले सिर्फ 38 लोग हैं। 38 सिलाई मशीन, 38 कान का मशीन, 38 बच्चों का फीस और 38 जो है व्हील चेयर है, बैग है, बस 38। तो 38 को मल्टीप्लाई बाय 5 ही करेंगे तो मुझे लग रहा है 200 या 300 से ज़्यादा नहीं हो सकते, या 150-200 होंगे। लेकिन जो मैं 7 पे से कर रहा हूँ वो सचमुच ऐसा है कि लोगों का जो सचमुच प्रेम है, जो मेरे किए हुए काम होते हैं पूरे साल में, उनका प्रेम यहाँ तक खींच के लाता है। नहीं, मेरा कोई आगे का प्लान नहीं, ये पिछले 10 सालों से मैं करते आ रहा हूँ और इससे तेजी से करूँ, लोगों का सहायता मिले, मेरी इंटरनल टीम का अच्छा सहायता मिलता है और ऐसे ही करते रहूँगा मैं। द्वारका में संस्था इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारी जो संस्था काम कर रही है, मैं तो बोलूँ कि डिंडोशी का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको द्वारका हमारी चैरिटी संस्था नहीं पता है, और यह इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम का जाता है, हमारी मुंबई अध्यक्ष, हमारी डिंडोशी की टीम, पूरी महिला, युवती, पुरुष, सारी टीम जो मेहनत करके करती है, निस्वार्थ, ना किसी तरह का लेन देन होता है, ना हम पैसा देते हैं, ना हम डोनेशन देते हैं, तो भी बहुत मेहनत से काम करी, वो कारण है। पूरे डिंडोसी विधानसभा में द्वारका माई की टीम हर जगह काम कर रही है, गली गली में और राजनीतिक चर्चा हो रही है, आने वाले टाइम क्या विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मेरा ऐसा कोई अभी तक प्लान नहीं है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा का जो भी विधायक हो या है या जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों का ध्यान दे, जरूरतमंदों तक जैसे वोटिंग का स्लिप पहुंच रहा है वैसे उनकी जरूरत की चीज़ें पहुंचे। क्योंकि मैं ये करता हूं तो बहुत से केसेस मुझे मिलते हैं, किडनी पेशेंट्स मिलते हैं, बहुत से ऐसे लोग, विधवा महिलाएं जो सिलाई मशीन दे रहे, विधवा महिलाएं हैं, उनका रोजगार चलता है। अगर लोग, विधायक ऐसा करने लगेगा और आने वाला विधायक भी करे और MP करने लगेगा, तो मुझे लग रहा है किसी भी मेरे जैसे सामान्य कॉर्पोरेट में काम करने वाले आदमी को कभी भी गली गली जाके लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, रोजगार मेला जो था, मैं चाहता हूँ कि किसी को छोटे टाइम के लिए आप मदद करने से अच्छा है कि आप लंबा टाइम मदद करो। अगर मैं कुछ चीज़ें दूंगा तो कुछ समय के लिए होगा, रोजगार अगर लोगों को मिल जाता है, उनके घर की आवक चालू होती है, तो यह बहुत बड़ा काम होगा। यह सोच के मैंने रोजगार मेला कुएं को लोगों तक, पैसों तक लेकर आया, मतलब कंपनीज को मैं यहाँ लेकर आया था, जो कंपनी सीधा यहीं पे ऑफर लेटर दे रही थी, यहीं पे इंटरव्यू कर रही थी, और मुझे बहुत खुशी है कि 2 विकलांग लोगों को भी इसमें से जॉब मिला है, यह बहुत बड़ी बात थी। और करीब हम 1800 से 2000 लोगों को रोजगार यहाँ पे दिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं को, क्या संदेश चाहेंगे जो बेरोजगार यहाँ आए हुए हैं? आपके माध्यम से काफ़ी लोगों को रोजगार मिला, और क्या यह कार्यक्रम आगे भी निरंतर चलता रहेगा? देखिए, रोजगार मेला अगर सचमुच लोग हैं इंटरेस्टेड, तो मैं बोलता हूँ कि आप 25,000 लोग लेकर आओ, मैं सबको रोजगार देने का काम करूँगा। क्योंकि 15 साल से मेरा यही लाइन है, मैं रोजगार ही देता हूँ, मेरा बहुत काम है। कंपनीज को मैं यहाँ लेकर आ सकता हूँ, चाहे रिलायंस बोलिए, चाहे टाटा बोलिए, चाहे गोदरेज बोलिए, मैं कंपनीज को आपके दरवाजे पर लाऊँगा। लेकिन
जो काम करने वाले हैं, जो घरों में बैठे हैं, जिनके बच्चे काम नहीं करना चाहते, आप उन्हें बोलिए कि आलसी मत बने, बाहर निकलिए, नौकरी के लिए चाहिए, कहीं नहीं है तो गौरीशंकर की टीम से कनेक्ट कीजिए, नौकरी हम लगा के देंगे। और भी कोई चार्ज नहीं, कोई पगार से कुछ कटेगा नहीं, परमानेंट जॉब के साथ। महिला देखा जाए संख्या में देखिए, महिलाएं मेरे पास काफ़ी जुड़ी पड़ी है। कॉर्पोरेट कंपनियों में एक एज लिमिट है, एक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो एज ज़्यादा हो चुका है, ऐसी महिलाओं के लिए मैं स्वयं रोजगार की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा पूरा कोशिश है कि अगले जन्मदिन के पहले मैं जो रोजगार मेला एक दिन रखता हूँ, उसके पहले एक दिन स्वयं रोजगार का ट्रेनिंग सेशन, जहाँ पे मशीनरी लेकर आए, मशीन लगाए और महिलाओं को दिखाए कि यह क्या होता है, कैसे आप लोग करके और सामान हमें ही भेज सकते हो, उसकी पूरी तैयारी में।